फर्स्ट टाइम मिली हूँ मैम से, बट इनकी जो रील है वो मेरी दीदी की बेटी ने मुझे 11 सितंबर को भेजी थी। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइज, आज मैं सुबह 4:30 बजे उठी हूँ और अभी बजने वाले हैं 6 और मुझे जाना है पौड़ी। पौड़ी पे मेरी ट्रेनिंग है। सो इधर देखो, मेरा बैग बिल्कुल पैक हो चुका है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ मैं। और पीछे टॉवल था यार। सो कोटद्वार से हमने ना गाड़ी बुक करी हुई है, हम साथ में 4 मैम जा रहे हैं, तो मिलते हैं। और सफ़र में जो भी चीज़ें होंगी, कुछ भी होगा, मैं सब चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी। पहाड़ का रास्ता शुरू होने वाला है गाइस। तो अभी हल्की हल्की धूप निकल गई है यहाँ पे और पीछे की साइड गाय भी खड़ी है। और रास्ते में मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि मैंने ये हल्का सा स्वेटर पहन लिया। और अभी हम पहुँचे हैं बोसाल, एक यहाँ पर जगह पड़ती है, यहाँ पे पीछे ढाबा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख भी लग गई है। और अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं मैं आपको बताती हूँ। हम कोटद्वार से निकल कर पहले पहुँचे गुमखाल, और गुमखाल से सतपुली, और सतपुली से थोड़ा सा आगे लगभग 5-6 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बोसाल। यहाँ पर एक दो ढाबे हैं और शायद से ऊपर की साइड ना गांव भी है, तो ज़्यादा मेरे को पता नहीं है इस जगह के बारे में। बट हाँ, यहाँ पर मैंने 1 से 2 बारी खाना खाया है इसी वाले ढाबे पे। तो अभी नाश्ता कर रहे हैं गाइस, शायद से आलू के पराठे। आपको मिलवाते हैं मैम से। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच चुकी हूँ डाइट में और अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये एक थोड़ा सा इस टाइप का बालकनी वाला एरिया है और हमारा जो रूम था ना, उसकी चाबी हमने जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है वहीं पे छोड़ दी। फिलहाल हम दूसरे वाले रूम में बैठे हुए हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। और अभी 10 से 15 मिनट के बाद हमें वापस से ट्रेनिंग में जाना है। सरप्राइज। हाय, ये देखो, ये इतनी स्वीट मैम है ना, इतनी प्यारी सी मैम है। बच्चों को डांटते हो? हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ती है तो। डांटने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है भाई। तीसरे वाली मैम से भी मिलाते हैं, अभी मिलाएंगे। अभी ना हम लोग तैयार हो रहे हैं श्रीनगर जाने के लिए। आज हम लोगों ने श्रीनगर मार्केट घूमना है। और पता है, मैं हो गई, आप हो गई और वो वाली मैम हो गई, और साथ में ना एक और नहीं हो पा रहे हैं, 2 हो पा रहे हैं, तो एडजस्ट कर तो लेंगे गाड़ी में हम लोग। ये वाली मैम ये फेस वॉश करके आ चुकी है भाई। सुनो सुनो सुनो, हम लोग 5 जान चले जाएंगे ना, एक को ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे ना आगे पीछे। हम 3, 2 और मैम हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। मैं आगे बैठी हूँ। वेरी नाइस ब्रो, वेरी चालाक, वेरी चालाक। नहीं आगे पीछे मत बैठाना यार मेरे को। ये तो गड़बड़ है। चलो कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मेरा दिल बड़ा है। अपने व्लॉग में अपनी तारीफ। तो गाइज, मैं मिलवाती हूँ आपको मैम लोगों से, जिनके साथ मैं मॉर्निंग में आई थी, दीक्षा मैम और कविता मैम। इन लोगों के साथ मेरी वाइब मैच हो गई है। और अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? श्रीनगर घूमने के लिए। ये भी और इधर देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं? फूल तोड़ना मना होता है भाई। पत्ते भी नहीं तोड़ने होते। अरे ये तो वो होते हैं जिसको अंदर से खाते हैं ना, इसको इसके अंदर बलून वाला और खट्टा खट्टा निकलता है। हाँ ये वाला, इसको बचपन में खाते थे हम लोग। हमारे यहाँ पे ना इसको फल फोटन टाइप कुछ ऐसा बोलते थे, फल फोटन बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। हाँ मकोए भी बोलते हैं। मकोए ऐसी होती है, ऐसी हो जाती है, लाल और पर्पल शेड में हो जाती है और मीठी लगती है, मीठी लगती है फिर खाने में। बचपन में खाई है पर अब इसका वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा मुझे, अभी कच्ची भी है। There's not much to do when all I can
is thinking about you, not doing well. लोग पहुंच चुके हैं और पीछे पुलिस है. Cause you're not. जिंदगी में मैंने पहली बार हीलियम का गुब्बारा खरीदा है. ये देखो. आपने क्या खरीदा? अरे एक शर्ट पसंद आई ना मुझे सिस्टर के लिए. एकदम से आ गई पसंद. वाओ दिखाओ मेरे को. ओह वाओ नाइस. मैंने कहा यार कितने की दी है? कितने की दी? 200. वाओ यार ये देखिए हमारा हीलियम वाला गुब्बारा. ये ऊपर तक जा रहा है. नाइस. मैं नीचे भी गिर सकती हूँ यार. अभी स्टार्ट किया है. स्टार्ट हो गई है शॉपिंग. मैं नहीं करूँगी यार. जी अभी यहाँ पे हो रही है शॉपिंग. तो ये एक साड़ी की शॉप है. ये देख लो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी और सस्ती साड़ियाँ भी मिलती हैं और अच्छी भी मिलती हैं. तो यहीं पर जा रहे हैं. ऊपर सब लोग चले गए हैं और मैं ब्लॉग बनाने के लिए नीचे ही रुकी हूँ. तो इधर से जाना है ऊपर शहर से. फर्स्ट फ्लोर पर है साड़ियाँ. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were born. ये देख लो ढंग से. मैम देख लो अच्छा लग रहा है ना? पक्का पक्का. हाँ ब्यूटीफुल कलर. अच्छा मम्मी के ऊपर भी सुंदर लगेगा ना? जैसे मेरी मम्मी है भी सुंदर. अच्छा लगेगा ना? ये इसका बॉटम है. है ये बॉटम है. लो ये इसका स्टॉल. ये तो स्टॉल है इसकी. ये इसका स्टॉल. थ्री पीस है वो. ठीक है. कैसा लगा? मैं आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ मैम से. बट इनकी जो रील है वो मेरी दीदी की बेटी ने मुझे 11 सितंबर को भेजी थी. रियल ये देखो ये वाली भी. इतनी वायरल हूँ यार मैं. आज मैं फाइनली इनसे मिल ली. अच्छी हूँ ना मैं? तो मुझे बताएं आपको कैसा लगा मुझसे मिलके? अच्छा लगा. नेक्स्ट टाइम भी हम मिलने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम फिर से यही आएंगे. आप सेलिब्रिटी बन जाओगे तो हमें बोलना मत. बिल्कुल भी नहीं. मन नहीं आने का. और अभी हम लोग आए हैं धर्मवीर भैया की शॉप पे. उन्होंने बड़ी बढ़िया कपड़ों की दुकान खोली है. यहाँ पे आंटी बताएंगी. ये गणेश मार्केट है यहाँ पे श्रीनगर में. श्रीनगर गणेश मार्केट और बीकानेर के जस्ट बगल में ही है. कविता कलेक्शन करके एक दो एक गली जा रही है ना? हाँ थोड़ा गली जा रही है. वहाँ पे बच्चों के कपड़े की दुकान है. तीसरे नंबर की मेरी दुकान है. तीसरे नंबर की है. हाँ जी. मतलब मल्टीपर्पज है मेरा. जेंट्स और बॉयज का भी है मेरे पास. छोटे बच्चों का नहीं है? नहीं छोटे बच्चों का फिलहाल मेरे पास स्टॉक नहीं है. प्लस शादी के कपड़े पार्टी वेयर सारे कपड़े मेरे पास पूरा कलेक्शन है. जैसे मेहंदी और प्लस हल्दी वल्दी के लिए जैसे शरारे वगैरह हो गए गाउन वगैरह ये सब चीजें मेरे पास है. तो प्लीज आए और अपना योगदान दे कविता कलेक्शन को. शॉपिंग करे और बढ़िया शॉपिंग करे. और मेरे यहाँ पे सबसे सस्ती शॉपिंग है. मतलब मेरे यहाँ पे सब लोग आए हैं. बस मेरा यही कहना है कि हम उतने बढ़ावा दिया थी कि लेके अपना गढ़वाली होनी चाहे. तुम लोग होते जाना चाहे हम ही निबुना के क्या करेंगे नहीं जाए. पर एक भी जरूर आया तुम ना. धन्यवाद तुम. भाग आ गए. ओ भाई साहब क्या महल लग रहा है. वो जो डैम है? नहीं वो डैम है. डैम है लग रहा है ना. कितना अच्छा लग रहा है यार. सुनो फोटो लो यार. चलो चलो एक मिल ना एक वीडियो भी बनाना. हम बिल्कुल अंधेरे में जा रहे हैं और हमें डर भी लग रहा है. ओह शिट अगर ऊपर भाग हुआ तो. मैंने उनको बोला ना अभी. नहीं ऊपर उजाला है थोड़ा सा. ये देखो हम कितने ऊपर आ रहे हैं. वाह हम सबसे टॉप पे जा रहे हैं और अभी है यहाँ पे कुछ लोग हैं. वाह ये देखो भाई व्यू.